बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आई है, जहां बारावीरवा मानसरोवर मार्केट में व्यापारियों ने फहराया तिरंगा। बताते चले कि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजादी के जश्न में सराबोर रहा राजधानी लखनऊ। सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं सहित स्कूल कॉलेज में ध्वजारोहण कर जहां देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, वहीं शहर के व्यापारियों ने भी बड़े जोश खरोश के साथ मनाया आजादी का जश्न। इसी क्रम में कानपुर रोड के बारावीरवा स्थित मानसरोवर मार्केट में व्यापारियों ने ध्वजारोहण कर निकाली तिरंगा यात्रा। मौके पर मानसरोवर व्यापार मंडल के संरक्षक ब्रजेश सिंह एवं अध्यक्ष उमेश श्रीवास्तव ने व्यापारियों संग तिरंगा फहराकर देश के अमर शहीदों को किया नमन, जिसके बाद व्यापारी नेताओं ने स्वतंत्रता दिवस एवं आजादी को लेकर व्यक्त किए अपने विचार और मिष्ठान वितरित कर एक दूसरे का मुंह किया मीठा। इस दौरान व्यापारियों ने तिरंगा यात्रा भी निकाली, जो क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बनी रही। तिरंगा यात्रा में व्यापारियों ने लगाए भारत माता के जयकारे। झंडारोहण कार्यक्रम में मानसरोवर व्यापार मंडल के संरक्षक ब्रजेश सिंह, अध्यक्ष उमेश श्रीवास्तव, महामंत्री महेश चौरसिया, मनोज विश्वकर्मा, दीपक विश्वकर्मा, अरुण कुमार वर्मा, धर्मेंद्र सिंह चंदेल, विपिन गुप्ता, दीपक चौरसिया, रंजीत सिंह, संजय सिंह, बलराम प्रजापति, मायाराम साहू, मोहन श्रीवास्तव, बाबा पूरन सिंधी सहित मानसरोवर मार्केट के अन्य व्यापारी गण उपस्थित रहे। आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में कानपुर रोड स्थित बारावीरवा मानसरोवर मार्केट में व्यापार मंडल की ओर से आजादी का 78वां जश्न बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अमर शहीदों को जहाँ याद किया जा रहा है, वहीं व्यापारी बंधुओं ने अपने दायित्वों के प्रति निर्वहन करने का भी आज संकल्प लिया है कि कहीं न कहीं हम लोग जो जिस तरह से व्यापार से जुड़े हैं, इस व्यापार से आम जनमानस भी जुड़ा हुआ, कहीं कहीं उसका भी लाभ होता है इससे। इसी क्रम में मानसरोवर व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी हैं, विनोद भैया हैं, और वरिष्ठ व्यापारी नेता सुग्रीव मौर्य जी हैं। इन लोगों से आज हम बात करेंगे, इस आज़ादी के जश्न पर क्या कहना चाहते हैं। अध्यक्ष जी क्या कहना चाहते हैं, आज क्या संदेश देना चाहते हैं? मानसरोवर व्यापार मंडल की तरफ से सभी सम्मानित जनता एवं व्यापारी भाइयों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज 77 वर्ष पूरे होने के पश्चात 78वां वर्ष लगा है झंडारोहण स्वतंत्रता दिवस का। सभी भाइयों से निवेदन है कि मिलजुल के रहें और अच्छे से रहें। व्यापारी एकता जिंदाबाद। भैया आप क्या कहेंगे आज के दिन इस पावन पर्व पर? मैं तो यही कहूँगा, न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान हम सबका है, हैं ना? बात समझी गई तो नुकसान हम सबका है। उसी तरह जैसे मैं हिंदुस्तान के विषय में कह रहा हूँ कि हमारा जो कर्तव्य है, राष्ट्रभक्ति है, हमारे जिन शहीदों ने अपने त्याग और बलिदान से आज ये शुभ दिन हम लोगों को दिया है, जिसको हम लोग 77 वर्षों से बराबर मनाते चले आ रहे हैं और आज यहाँ मना रहे हैं। हम अपने व्यापारी भाइयों से भी निवेदन करेंगे कि मानसरोवर व्यापार मंडल आलमबाग में एक अपनी अच्छी पहचान बनाए हुए है और यहाँ पर प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस मानसरोवर व्यापार मंडल के द्वारा आयोजित होते हैं, जैसे कांवड़ यात्रा के लिए, शिवरात्रि के संबंध पर, कोरोना काल में लोगों को कितना राशन पानी अनाज और यहाँ पर हमारे जो सफाई के सिपाही लोग थे उनका सम्मान हुआ। यहाँ से बराबर ये सब कार्यक्रम, वेलफेयर के कार्यक्रम चलते रहते हैं और ये राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी 15 अगस्त ये विगत 15-20 सालों से लगातार यहाँ पर आयोजित हो रहा है। इससे एक दशा और दिशा हम समाज को मिलती है, व्यापारी भाइयों को मिलती है। जय। निश्चित रूप से आज का दिन देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को याद करने का दिन है, उनके कृत्यों से प्रेरणा लेने का दिन है, जिनकी वजह से आज हमें आज़ादी मिली है, हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। निश्चित रूप से इस कारवां को, इस बगिया को, देश की जो हमारी हरी भरी बगिया है, सभी धर्मों की बात होती है, सभी जातियों की बात होती है, लेकिन जब देश की बात होती है तो सब लोग एक रहते हैं और इस एकता को कैसे एकजुट बनाए रखा जाए, आज उस वह दिन है, संकल्प लेने का दिन है। सुग्रीव जी क्या कहेंगे इस बात को लेकर? पहले तो मैं अपना परिचय बता, सुग्रीव मौर्य हूँ, प्रदेश अध्यक्ष प्रगतिशील व्यापार मंडल का। आज के पावन पर्व पर मैं प्रदेशवासियों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा निवेदन ये है कि पहले तो जो ध्वजारोहण होता है ये बहुत पवित्र ध्वज है। किसी भी भ्रष्ट राजनीतिक नेता
अपराधी से कभी भी ध्वजारोहण न कराया जाए, ये मैं मान के चलता हूँ कि ये ध्वज का अपमान होगा। और रही बात 15 अगस्त के अवसर पर, मैं समस्त देशवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि एक ऐसा पर्व है, हम लोगों को आज सीखने का जो है वक्त है। हमारे देश के तमाम शहीद हुए हैं जो जवान, उनसे कुछ न कुछ हमें सबक लेने की ज़रूरत है। लोग कल्पना करते हैं कि हमारे लिए देश ने क्या किया, हम व्यक्तिगत मानते हैं कि आपका देश है, आपने देश के लिए क्या किया ये आपको तय करना पड़ेगा। जैसे माना कि आपके क्षेत्र में नाली बनी हुई है, लोग उसमें पन्नी कूड़ा डाल देते हैं, फिर कहते हैं कि नगर निगम या जो भी आए वो सफाई करे, हमको आपको तय करना पड़ेगा कि हम लोग उसमें कूड़ा न डालें। ये देश हमारा है, विकास में हम लोगों के टैक्स से विकास इस देश का होता है। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, यदि आप सम्मान चाहते हैं तो निश्चित रूप से अपने अमन चयन को छोड़ना पड़ेगा। और सभी देशवासियों को 15 अगस्त के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाइयां देना चाहता हूं। दो शब्द कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि बुलबुलों के पंजों में कभी बाज नहीं रहते और बुजदिलों के मन में कभी राज नहीं रहते। जिस व्यक्ति को समाज सेवा की आदत न हो, उस व्यक्ति के सर पर कभी ताज नहीं रहते। धन्यवाद। निश्चित रूप से आप सुग्रीव मौर्य जी हैं, और आप जिस तरह से समाज के लिए, व्यापारियों के हितों के लिए, और यूँ कहूँ कि एक तरह से पूरे कुनबे के लिए जिस तरह से ये आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, निश्चित रूप से ऐसा ही सोच हर व्यक्ति के भीतर होना चाहिए। और आज शायद यही वह दिन है जो अपनी सोच बदलनी होगी। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, जिम्मेदारियाँ व्यक्ति को खुद समझनी चाहिए। देश के लिए आपने क्या किया, आप देश के लिए क्या करने वाले हैं, आप देश के लिए क्या कर रहे हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा।